हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है काली माता की तरफ से आपके लिए मैसेज। ठीक है, काली माँ जो है उनके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। सो काली माता का मैसेज लेके मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। आज का जो है हम स्पेशली देखने वाले हैं क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो तो देखेंगे ही, क्या मैसेज है उनकी तरफ से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, अभी 25th और 26th मई को लूनार इक्लिप्स होने वाला है, यानी कि चंद्र ग्रहण। तो आप अगर उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ये जो वक्त है ये चेंज का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये बदलाव का है। ओके, सो क्या बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसे बदलाव आएंगे, वो सारा कुछ अगर आप डीप में देखना चाहते हो, मैं डीप में बैठ के रीडिंग बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बनाऊँगी। ओके, साथ ही ये टॉपिक अगर पसंद आया है, ऐसे आप चाहते हो कि मैं वीकली बनाऊँ, बाय वीकली बनाऊँ, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद है और आप और देखना चाहोगे। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं काली माता जो है वो आपके लिए क्या मैसेज ला रही हैं। जब मैं शफल कर रही हूँ, काली माता को अपने आँखों के सामने लेकर आइए। आपकी जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो उन्हें बताइए और उन्हें बताइए कि आपको इस रीडिंग से उसका जवाब मिल जाए। ये कलेक्टिव रीडिंग्स जब मैं करती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स के एनर्जी से करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से रेजोनेट होने लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज जो है मेरी कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हों और आपको मेरे रीडिंग्स से आपके जवाब जो हैं क्वेश्चंस के वो मिलते रहें। देखते हैं काली माता क्या मैसेज दे रही हैं। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स दोनों आए हैं, टेन ऑफ पेंटेकल्स डेविल है, फोर ऑफ सोर्स है, किंग ऑफ पेंटेकल्स है, एस ऑफ सोर्स है। ओके, सोर्स एनर्जीज काफ़ी सारी हैं। ठीक है, सो किसी डिफ़िकल्टी से डेफिनेटली आपको बचकर रहने के लिए, ये 100% ऑनेस्ट बना रही हूँ मैं। ओके, एकदम 100% ऑनेस्ट रीडिंग होने वाली है ये। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको अच्छा तो सुनने मिलेगा ही, पर अगर कोई कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी, ताकि आप लोग बचे रहो, बचकर रह सको, है ना। फ्यूचर गाइस, हमेशा याद रखो कि हमारे प्रेजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हमारा फ्यूचर कभी भी बदल सकता है। अगर हम एक मूव चेंज करें हमारी आज की, तो हमारा कल पूरा बदल जाता है, कल पूरा चेंज हो जाता है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको एज एडवाइस है, ये आप 100% बदल सकते हो, ये आपके हाथ में है। काली माता की तरफ से एक वार्निंग मैसेज ये आ रहा है कि हो सकता है कि आपका इस वक्त में कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो। ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है कि कुछ दिक्कत आपको आए। मैं दिक्कतों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि लॉस होने वाला है। ठीक है, जस्ट लिसन टू मी, पूरा सुन लेना, डरना नहीं। ठीक है, ऐसा अरे यार अभी तो ये अच्छा खासा अभी चल रहा था, अभी नुकसान हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए मैं कहती हूँ आपको अच्छा भी और बुरा भी सब कुछ समझ में आए, ताकि आप उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सको। ठीक है ना, सिर्फ कार्ड्स जो है वो कुछ इतने खास नहीं है। काली माता शायद आपको ये वार्निंग देना चाहती हैं, ये एडवाइस देना चाहती हैं, एक रेड फ्लैग दिखाना चाहती हैं। ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स में से कोई, अभी ये हो सकता है कि रिसेंटली हुआ है या फिर होगा, फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको समवेयर अपना पॉकेट थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। ओके, सो फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, मोस्टली मैं फैमिली कहूँगी। ठीक है, फैमिली आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ हस्बैंड हैं या फिर बच्चे,
इनमें बोल रही हूँ मैं, ठीक है, मामा जी, ताया जी, चाचा जी, ये नहीं, ठीक है, इतने दूर के नहीं, क्लोज वाले बोल रही हूँ मैं, कहीं ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है ना कि उनको हो सकता है कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आए, उनकी वजह से आपको थोड़ा अपना पॉकेट ढीला करना पड़े। ओके, इस वक्त में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने एक पेपर पे, आप एक वाइट कलर का पेपर लीजिए, इतने इतने साइज़ का, इतने इतने साइज़ का एक वाइट कलर का पेपर लीजिए, उसके ऊपर ग्रीन पेन से प्रोटेक्ट लिखिए, प्रोटेक्ट लिखिए, और अपने वॉलेट में रखिए, पर्स में रखिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सलाह रहेगी ताकि इस नुकसान से आप बचे रहो। किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, अभी ये रीसेंट हुआ है आपके साथ में या फिर होने के चांसेस हैं, तो आप इसको रोक सकते हो। ओके, काली माता कह रही हैं कि पैसे को लेकर थोड़ी हो सकता है कि ऊपर नीचे दिक्कत हो। अभी ये सबके लिए रेजोनेट होगा, ऐसा नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, बट ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही ध्यान रखना, बाद में पछताने से, बाद में कुछ चीज़ें दुरुस्त करने से अच्छा है कि पहले ही उसको, उसका ध्यान रखो कि ना करो, वो उस रास्ते जाओ ही नहीं, वो नुकसान हो ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ एक वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से प्रोटेक्ट लिखो, स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग का पेन यूज़ कर सकते हो, अपना रेगुलर इंक पेन यूज़ कर सकते हो, बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, कोई भी ग्रीन कलर, ठीक है। वो ग्रीन से लिखना, पेन का कलर ग्रीन नहीं चाहिए, इंक का कलर ग्रीन चाहिए, ठीक है ना। एंड वाइट पेपर, लाइन वाला भी चलेगा, डॉटेड वाला भी चलेगा, जैसा आपको सही लगे। साथ ही मैंने मेरे सेकंड चैनल पे आर्केन एंजल जो चैनल है, आज ही मनी टिप अपलोड की है, मनी रिलेटेड टिप, तो वो भी टिप आप फॉलो कर सकते हो, आई बटन में आपको वो वीडियो और वो चैनल मिल जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द रीडिंग, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कुछ टेम्पटेशंस आपको हो सकते हैं। ओके, अभी इस वक्त में क्या है, हम घर पे हैं, है ना, तो चांसेस है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो अनवांटेड है। अभी क्या होता है ना, जब हम खाली रहते हैं घर पे, कुछ काम नहीं होता ज़्यादा, तो ऐसी ऐसी हमें खुरापती आइडियाज़ आती है ना, जैसे कि एक्स को कॉल कर लो या फिर एक्स को मैसेज कर लो, ये वाला दिमाग में आ जाता है। ख़त्म हो चुका होता है वो सब, पर फिर भी ऐसे टाइम पास में कुछ मन नहीं लगता ना, कहीं कुछ करने को नहीं होता, तो इसलिए ऐसी चीज़ें आती हैं, या फिर एडिक्शन जैसी चीज़ें, स्मोकिंग, गंदे हैबिट्स, स्मोकिंग कभी पिकअप कर लेते हैं या फिर ड्रिंकिंग पिकअप कर लेते हैं, अभी वो मिलना भी मुश्किल है तो फिर भी, एंड या फिर हो सकता है कि हम हमारा सारा वक्त जो है ना वो वेस्ट कर दें, ठीक है, ये सीरियल देख ली, वो सीरियल देख ली, बिंज वॉच कर लिया, कि घर पे कुछ काम नहीं, ऐसे खाए हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, तो ये जो है अपने टेम्पटेशंस जो है उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। साथ ही दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइस कि सेक्सुअली गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मैंने अभी एक्स के बारे में बताया ना, सेक्सुअली उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना। अभी फिज़िकल कनेक्शन आप बना नहीं सकते हो ये लॉकडाउन की वजह से, अगर आसपास में हो तो बन भी जा सकता है, बी केयरफुल, बट दूर भी हो तो भी सेक्सुअल कनेक्शन में इस हिसाब से बता रही हूँ कि हम क्या कर देते हैं, सेक्सुअली फिज़िकल बातें कर लेते हैं, फ़ोन पे कर लेते हैं, चैट पे कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखो, ठीक है। ये गलत डिसीजन है, आपको गलत डिसीजन लेने पे ये खाली वक्त जो है आपका वो टेम्प्ट करने का चांसेस है, ठीक है। तो काली माता आपको कह रही है कि इन सारी नेगेटिविटी से, नेगेटिव रिश्तों से दूर रहो, दूरियां बनाओ, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें, ये अच्छा नहीं है। आप कम्युनिकेशन ऐसे लोगों से बनाओ जो आपको फ़ायदा दें, जो आपके लिए अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, ओके, और जेन्युइनली जिनके साथ आपका रिलेशनशिप भी बनने के चांसेस हैं। ये मैसेज है ना आप लोगों के लिए कि आप जो आपको 100% दे रहे हैं ना, अटेंशन, प्यार, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, उनको आप नहीं देख रहे हो। आप जो नहीं दे रहे हैं ना उनके ऊपर पूरी एनर्जी फोकस किए हुए हो, ये समवेयर ये रीडिंग से पता चलता है। ओके, जहाँ पे आपको जीरो भाव मिलता है वहाँ वहाँ पीछे उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, और जो आपको भाव देते हैं, जान वार दे रहे हैं, जान दुटा दे रहे हैं आपके ऊपर, उनको आप भाव ही नहीं देते, आप उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे लोग हैं, आपको ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं है, दैट मीन्स कि आप उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है उसका प्यार, आपको समझ में ही नहीं आ रही है उसकी केयर, ठीक है।
जैसे हमारे घर वाले भी कई कबार हो सकते हैं, मैं ऐसा ही नहीं कह रही रोमांटिक कनेक्शन ही होगा, हो सकता है आपकी मदर आपको सपोर्ट कर रही हैं, फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई दोस्त है जो सुबह शाम आपको मैसेज करता रहता है कि भाई खाना खा लिया क्या तुमने, ठीक हो ना तुम, कैसे हो, क्या है, उनकी कदर नहीं है आपको, आपको एक इंसान वो जो आपको मैसेज ही नहीं कर रहा, जिसने ब्लॉक करके रखा है, उस इंसान की कदर है सिर्फ। ओके, तो ये समवेयर, ये भी एक टेम्पटेशन के हिसाब से ही मैं बताऊंगी कि रॉन्ग लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो, और सेक्सुअल कनेक्शंस से फिलहाल में तो दूर ही रहो ऐसे लोगों से, ठीक है। जब तक आपको आइडिया नहीं आ जाती कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, तब तक आप सेक्सुअली इन्वॉल्व ही नहीं होना, ये मतलब ये कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए। ओके, ये वक्त आपके लिए डेफिनेटली गाइज दिखाई देता है कि ये रेस्ट का है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। रेस्ट करना यानी आलसी बन जाना, खाना पीना सोना, इतना ये नहीं कह रही मैं, ठीक है। रेस्ट करना यानी अपने दिमाग को रेस्ट करो, अपने दिमाग को शांत रखा करो, दिमाग आपका स्टेबल रखा करो। आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग तो बहुत सारी कर रहे हो, ओके, कोशिशें भी बहुत सारी कर रहे हो, प्लान्स भी काफ़ी सारे बना रहे हो, उसके ऊपर एक्शंस भी ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, कम ले रहे हो, जितने होते हैं उतने ही ले पा रहे हो, लॉकडाउन की वजह से, ये कोविड की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, आई नो, बट जितना कर रहे हो उसका क्रेडिट लो, ठीक है, एंड अप्रिशिएट करो। अपने ही पीठ पे आपको खुद को ही थपथपाना पड़ेगा, दुनिया थपथपाने के लिए मत रुको, दुनिया के अप्रिसिएशन के लिए मत रुको, आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आप अपना 100% दे रहे हो और कुछ काम बन भी नहीं रहा है तो दिल का छोटा नहीं करना, ठीक है, आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो, एंड जब सक्सेस आएगा ना तो बहुत सारा, ढेर सारा छप्पर फाड़ के आएगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और देखते हैं और क्या मैसेजेस है काली माता की तरफ से आपके लिए, और क्या कहना चाहती हैं काली माँ। काली माता के मैसेजेस आप आज बड़े ब्लंटली आ रहे हैं, एकदम एक घाव दो टुकड़े करने वाली हैं, कुछ छुपा नहीं रही, कुछ प्यार नहीं है आज, एकदम ज़िद है काली माँ की, आज हक से वो आपको जो है अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों मैसेज दे रही हैं, ओके, और आपको सॉल्यूशन भी दे रही है साथ में। सो आज का रीडिंग काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट ऑन पॉइंट्स कहूँगी मैं, एनर्जीज फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांग, ओके, अ न्यू अर्थ, ठीक है। जैसे मैं कह रही थी आपको, आपका आप जो है ना सही रास्ते पे हो, अपनी ज़िंदगी के, अपने अचीवमेंट्स के, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है ना, फिक्र मत करो, आप एक अपनी नई दुनिया बना रहे हो, यूनिवर्स है ना आपको इन सारी परेशानियों से दूर लेकर जाने वाले हैं, आपको बस अभी ख़त्म होने वाली है सारी, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है, बस आपको जो है अपनी देखने का नज़रिया खोना नहीं, ठीक है, आपको अच्छाई जो देखते हो आप लोगों में, बुराई कम ही दिखती है, अच्छाई जो देखते हो लोगों में वो खोना नहीं। पता है आपको कि आपको, मतलब मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत झेला है आपने, बहुत दर्द देखा है, ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस गाइस, कि आप अच्छाई देखे लोगों में और आप बुराई अनदेखा करें लोगों की, ठीक है। एक ही गलती बार बार मत करो, लोग अगर आप सिर्फ अच्छाई देख रहे हो, बुराई अनदेखी कर रहे हो, ओके, बुराई को अनदेखा कर रहे हो, तो फिर वो इंसान उसी चीज़ को लेकर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते रहेगा, पैटर्न बना लेगा फिर आपको फंसाने का, आपको ग्रांटेड लेने लगेगा। मैं आपको कह रही हूँ कि उस इंसान के बारे में अच्छा सोचो, माफ़ करो और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो, ठीक है, उसको भी कहो कि आगे बढ़ जाए, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं देखते हैं, और क्या मैसेजेस हैं काली माता की तरफ से। एक्टिवेटेड अर्थ, ठीक है, समवेयर जैसे मैं कह रही हूँ ना, यूनिवर्स आपके लिए वो आपका नया जहान बना रहे हैं, ठीक है, आपकी नई दुनिया आपके लिए बना रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए यूनिवर्स को थोड़ा टाइम दीजिए, और काली माता को भी थोड़ा टाइम दीजिए, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक कर देंगी,
ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, आप फिक्र मत करो, थोड़ा टाइम दो, सारा कुछ जो है आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। और क्या मैसेज है, ओके द सेवन स्टार सिस्टर्स, ठीक है, इट इज़ टाइम कि आप लोग गाइज एक्सप्रेस करें अपनी बात को, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम से हो सकता है कि आप गुजर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगी या फिर अगर मैं बोलूँगा तो फिर कोई सुन नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अंदर ही अंदर घुटते रहो, ओके, अपनी जो भी बात है, आपको जो भी बुरा लगता है, जो भी अच्छा नहीं लगता है, आपके हाथ में पावर नहीं है, ये सिर्फ आपको लगता है, आपके हाथ में पावर है बोलने की भी, अपना ओपिनियन रखने की भी, सो वो रखो, ठीक है, अपने फीलिंग्स जो है ऐसे टेबल पे बिछा के रखो ताकि लोगों को समझ में आए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और आगे से फिर वो इंसान वैसी हरकत आपके साथ नहीं करेगा, अगर वो आपकी केयर करता है वो इंसान, तो वही हरकत आपके साथ नहीं करेगा, और अगर फिर भी वो इंसान आपकी आपकी सोच क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है ये जानने के बावजूद वो इंसान वापस वो चीज़ दोहराता है, तो आपको भी समझ में आएगा कि इस इंसान को मेरी केयर ही नहीं, इस इंसान को मेरी कदर ही नहीं, ठीक है। और देखते हैं, बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ स्टोरी नहीं बना पा रही हूँ इससे मैं, आई होप आप रेजोनेट कर पा रहे हैं जो भी मैं कह रही हूँ, कुछ स्टोरी एक स्टोरी फ्लो में नहीं बन रही है, ओके, एग्जैक्टली, अगेन चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस, यूनिवर्स आपके लिए आपकी दुनिया बना रहे हैं, आपको जो चाहिए उसके लिए यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, आप अपने आसपास जो है आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं क्या, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हैं क्या, ठीक है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्या, क्या फेदर्स दिखाई दे रहे हैं क्या, क्या दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करो, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको आसपास में ही मिलेंगे, एंड आपके लिए जो है पूरा सेटअप किया जा रहा है अभी, ओके, और देखते हैं और क्या ऑन पॉइंट, अगर कोई मैसेज, ओके, बहुत सारे गिरे हैं, इतने नहीं चाहिए, ले लेते हैं क्या, ठीक है ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, फील लाइक इट, चार ही थे, ठीक है, फर्स्ट है वाइस लीडर, जॉय एंड डिलाइट है, स्टेपिंग इनटू पावर है, जैसे मैं कह रही थी ना आप लोगों को, आपको लग रहा है कि आपके हाथ में पावर नहीं है, ठीक है, कई हाउसवाइफ्स को ऐसा लगता है, मैं एग्जांपल बताती हूँ, कई हाउसवाइफ्स को ऐसा लगता है कि हस्बैंड कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा कोई बनता नहीं है, वो अपने पैसे से जो भी करे मैं क्या बता सकती हूँ ना उनको, या फिर मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगी, है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में पावर नहीं होती, पता है अगर आप घर की हाउस वाइफ हो, अगर आप घर की माँ हो, आप घर की लेडी हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द पावर इज़ विथ यू, सबसे ज़्यादा पावर आपकी है, ठीक है, आपको आपको क्या लगता है आप एक दिन घर छोड़ के जाओगे तो वही आपके बच्चे, वही आपके हस्बैंड घर संभाल पाएंगे पूरा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सो ऐसा नहीं सोचना, पावर अगर आप वर्किंग हो अदर फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, कई लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल नहीं है पोजीशन इतनी अच्छी तो हमारे हाथ में पावर नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है पैसा यानी पावर, वैसा नहीं होता, पावर आपके दिल में होती है, पावर आपके दिमाग में होती है, पावर आपके अंदर होती है, आपके कॉन्फिडेंस में होती है पावर, ठीक है, अगर पावरफुल बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंट बनो, अगेन ये नहीं कह रही मैं ओवर कॉन्फिडेंट बनो, कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है ना, पावर है आपके पास, काली माता कह रही हैं पावर है आपके पास, ओके, जैसे मैं कह रही थी काली माता जो है बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी बना रही हैं और उसके पास आप बहुत जल्दी पहुँचने वाले हो, ठीक है, आपको जो लग रहा था ना कि बहुत दूर का रास्ता है, अभी आप देखोगे कि स्टेप्स इतने जल्दी जल्दी होने लगेंगे आपके लाइफ में कि सब कुछ एकदम फटके से बदल जाएगा और आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके, अगर किसी को बताने जाओ तो कोई मानेगा भी नहीं, इतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलेगी और इतनी अच्छी बनेगी, ठीक है, कुछ बुरा बदलाव नहीं है, सारी अच्छे बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो आप, ठीक है, दिल खोल के खुश होने का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, एंड जैसे मैं कह रही थी वो पावर, ओके, वो पावर जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है वो आपके पास है, आपके दिल में है,
और एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप उस पावर को यूज़ कर सकते हो. ओके, अपनी आवाज़ उठाओ, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोगों को पता चलना चाहिए कि आप फील कैसे करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या हर्ट करता है, ये लोगों को समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो गाइज, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, काली माता की तरफ से मैसेज. काफ़ी ऑन पॉइंट मैसेज थे, काफ़ी स्कैटर्ड मैसेज थे, तो आपको जितने रेजोनेट हो रहे हैं उतने आप उठा लो. ओके, सो और एक चीज़ गाइज, 12th जून से, आई नो बहुत टाइम है, पर हमारा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 शुरू होगा. सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगी. और एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि 26th और 27th मई को, 25th और 26th मई को न्यू मून, सॉरी फुल मून है और लूनार इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है. ठीक है, तो उस दौरान मैं लाइव करने वाली हूँ. ओके, लाइव में जुड़ने के लिए फीस है 1299, दो दिन लाइव होंगे और दोनों दिन हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. मैं आप लोगों को रिचुअल्स सिखाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी. कंटेंट्स में बता देती हूँ आपको, वाटर थेरेपी कराई जाएगी आपको. ये जो है मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं आपसे करा रही हूँ, क्योंकि जो लूनर इक्लिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर चेंज, फॉर क्लिंजनिंग, फॉर प्रोटेक्शंस. तो आपको सॉल्ट रेमेडी सिखाई जाएंगी, वाटर थेरेपी कराई जाएगी, क्रिस्टल ग्रिड मेडिटेशन कराया जाएगा, साथ ही हम करेंगे प्रोटेक्शन रिचुअल्स सिखाए जाएंगे, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ऐसे सारे चीज़ों से प्रोटेक्शन रिचुअल्स सिखाए जाएंगे, अफर्मेशंस दिए जाएंगे. ओके, तो ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा. दो दिन का लाइव होगा, 1.5 से 2 घंटे का. टाइमिंग होगा 6 to 7:30 या फिर 8 चला जाएगा वो. ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगी. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, मेरे सेकेंड चैनल आर्केन एंजल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आई बटन में लिंक दी है मैंने. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय.